नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बिहार के महासंग्राम में। आज बात दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट की। इस बार बिहार की वीवीआईपी सीटों में से एक दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट है, क्योंकि इस बार दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। आरजेडी के गढ़ में जेडीयू ने फातमी जैसे दिग्गज नेता पर दाव लगाया है। इस सीट पर इस समय आरजेडी का कब्जा है, जबकि जेडीयू ने इस सीट से फराज फातमी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने मौजूदा विधायक ललित कुमार यादव को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं एलजेपी के टिकट पर दरभंगा ग्रामीण से प्रदीप कुमार ठाकुर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बात करें 2015 विधानसभा चुनाव के वोट के आंकड़ों की, तो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट से 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के ललित कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। ललित को 70,557 वोट मिले थे। ललित के निकटतम प्रतिद्वंदी जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नौशाद अहमद को 36,066 वोट मिले थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र का चुनावी अतीत भी इस बात की गवाही देता है। इस सीट पर इस समय आरजेडी का कब्जा है। आरजेडी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार सत्ताधारी एनडीए आरजेडी का किला ध्वस्त कर पाता है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।